सैनवा से 7 किलोमीटर दूर ग्राम जामली स्थित नवनिर्मित शासकीय एकलव्य आवासीय बालक बालिका छात्रावास परिसर का विधायक गयासी लाल रावत, सांसद गजेंद्र पटेल, पानसेमल विधायक चंद्रभागा किराड़ी समेत अन्य अतिथियों ने लोकार्पण किया। इस दौरान तेज बारिश के चलते पंडाल में भी पानी गिरने लगा और मंच पर ही अव्यवस्थाओं का दौर दिखाई देने लगा। वहीं अतिथि भी बारिश के कारण परेशान नजर आए। कार्यक्रम में सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक गयासीलाल रावत, चंद्रभागा किड़ारे, कांग्रेस के सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर ने भी संबोधित किया। तो वही कार्यक्रम में सहायक आयुक्त विवेक पांडे भी मौजूद रहे। और पहले ही बधाई बोल देता हूँ कि आपको एक शानदार स्कूल की सौगात मिल रही है। चूंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों के स्कूल के लिए प्रोग्राम रखा है, इसलिए बच्चों से संबंधित बात ही करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे सरकार में जो बैठे थे लोगों ने हमारे उन्नति या विकास के लिए जो कल्पना की थी, वो कल्पना के को साकार करने के लिए उन्होंने एकलव्य स्कूल बनाए, हर ज़िले में बनाए हैं। एकलव्य नाम से ही आपको ज्ञात होता है, विदित होता है कि उनका ध्यान किस तरफ था, आदिवासी समाज का उत्थान। और बच्चों के लिए संदेश था कि एकलव्य जैसा एक निशाने पे नज़र रखने वाला। एकलव्य के बारे में सुना होगा आप लोगों ने ना, तो आपको उनका अनुसरण करना है। नाम इसीलिए दिया है एकलव्य, ऐसे ही नहीं दिया है, ठीक है ना।